हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स के सेशन में जानेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम 12.1। आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं एक्सरसाइज को, हीरोज फॉर्मूला की एक्सरसाइज है, ठीक है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको सॉल्व करने के तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हम बात करते हैं, ठीक है, क्या है होता है, ठीक, चेक करो व्हाट इज गिवन, ठीक है। हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हम पहले चेक करेंगे व्हाट इज गिवन, ठीक। उसके बाद हम चेक करेंगे व्हाट टू फाइंड, ठीक। और फिर तीसरे मेथड में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द वे टू फाइंड, है ना, क्या ऐसा क्या रास्ता है जिससे हम उसे ढूंढ सकें, व्हाट इज द वे टू फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है, इन तीन बेसिक स्टेप्स को हम लेके चलेंगे। कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तीन हमारे बेसिक स्टेप्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला, इफ इट्स पेरिमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। हमें सिंपल से दिया हुआ एक क्वेश्चन बना है, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमें, ठीक, उसकी साइड गिवन है ए। तो हम जानते हैं अगर एक साइड ए है तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी। ये स्कूल अहेड का साइन है, ठीक है, स्कूल अहेड, ठीक, साइन बोर्ड, ठीक है। अब हमें इसका क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है हमें, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम पेरीमीटर कुछ चीज़ निकाल सकते हैं पहले, ठीक है, हम पहले ये देखें व्हाट टू फाइंड, ठीक है, व्हाट इज गिवन, ये चीज़ हमें गिवन है। व्हाट टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, क्या फाइंड करना है, हम इसके एरिया फाइंड करना है, एरिया। सो नाम देता हूँ मैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है पता है हमें, बिल्कुल पता है, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल रूट, ठीक है, ये होता है हीरोज फॉर्मूला। इसके हेल्प से हमें फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमें इक्विलेटरल तीनों साइड्स पता है, हाँ पता है, ए प्लस ए प्लस ए, इन तीनों का जो सम है यही पेरीमीटर होता है, है ना, ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ए से निकाल सकते हैं, 3a इक्वल टू हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, तो a इक्वल टू मिल जाएगा हमें 60 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें साइड मिल गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक। अब हमें क्या करना है, सिंपल सर, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी तीनों की जो लेंथ है ना वो सेम होगी, है ना, तो बस हमें इस फॉर्मूले में रखना है, एंड हियर वी गॉट आंसर। एरिया कितना हो जाएगा, एस, अपने को एस निकालना है, एस क्या होता है, एस मैंने आपको बताया था पेरीमीटर बाय टू होता है, ठीक है, तो एस क्या हो गया 180 सेंटीमीटर बाय टू, तो 90 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका एस, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एस 90, ठीक है, 90 माइनस 60, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 × 30 × 30 × 30, तो ये एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक पेयर बाहर आ गया, सिर्फ 30 बाहर आ गया, ठीक है। अब बचता क्या, 90 × 30, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 30, ठीक, इसको लिख सकते हैं 3 × 10 × 3, ये 90 हो गया, × 3 × 10 लिख सकते हैं, एक पेयर ये मिल गया और एक 10th ये पेयर मिल गया, तो हम इसको भी बाहर कर लें, तो एक 30 और बाहर हो जाएगा हमारा, 30 × 30 और इतना रूट 3 अंदर बच गया, ये हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, यूनिट, ऑब्वियसली एरिया है, एरिया की हम स्क्वायर में गिनते हैं, और हम सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में करते आ रहे हैं, तो हम 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोलेंगे, ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया।